मेरे सामने दोस्तों एक स्प्लेंडर बाइक है ना, इस गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। कस्टमर अभी लेकर आए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है गाड़ी के अंदर। ऑलरेडी इसमें 7 से 8 महीने पहले से ना इसका बैटरी पूरी तरीके से डैमेज पड़ा है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको दिखाते चलेंगे कि आखिर इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जब इसको सिर्फ अभी चेक किया गया ना, इस स्पार्क प्लग पर इसके करंट की दिक्कत आ रही है, तो करंट को चेक करने के लिए सबसे पहले इसके प्लग को ओपन कर लेना चाहिए। जब भी किक को अप्लाई करते हैं तो किक मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, तो इसके स्पार्क प्लग को यहाँ से ओपन करेंगे और चाबी स्विच को ऑन करने के बाद आपको बिल्कुल लाइव दिखाते चलेंगे कि आखिर इस गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। चाबी स्विच को ऑन कर लिए, यहाँ पे किक लगाएंगे, आपको किक लगा के और उसका करंट दिखाते हैं। मारिए जोर से, यहाँ जरा भी करंट देखने को नहीं मिल रहा है, रुक जाइएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या चेक करना है वो आपको दिखाते चलेंगे, बिल्कुल आपको एक प्रूफ देते चलेंगे कि आखिर इसमें क्या सलूशन निकलेगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी का बैटरी 7-8 महीने से खराब, तो इसके साइड पैनल को अभी ओपन किया गया है और यहाँ पे अगर देखें ना 4700 mAh का कैपेसिटर यूज़ किया गया है। गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से करंट का प्रॉब्लम है। अब इसकी करंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ना इसके कैपेसिटर को यहाँ से ऑन करेंगे और इसके बोल्ट को ओपन करने के बाद पहले बोल्ट ओपन करते हैं यहाँ से। अगर जब भी कभी कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा ना डीसी गाड़ी में, उस टाइम में आपकी गाड़ी में करंट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेम यहाँ पे इसके कैपेसिटर को निकालेंगे या फिर बैटरी भी आपका उस टाइम में ख़राब रह सकता है, तब भी आपकी गाड़ी करंट का प्रॉब्लम दिखा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालने के बाद इसको शॉर्ट करेंगे, तो शायद यहाँ पे लगता है पूरी तरीके से इसका कैपेसिटर खराब लग रहा है। बैटरी के टर्मिनल को ओपन किए हैं, अब गाड़ी में किक को अप्लाई करेंगे, चाबी स्विच में इसकी चाबी को लगाते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। चलिएगा भैया, किक लगाइएगा, देखिएगा, चलिए रुक जाइएगा। तो यहाँ पे क्या देखा ना, इसका कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज है, यानी कि एकदम शॉर्ट होने की वजह से गाड़ी में स्पार्क जनरेट होना बंद हो गया था। अगर इसके टर्मिनल को ना कभी अगर बैटरी भी शॉर्ट रहेगा ना, तो इस कंडीशन में यानी कि गाड़ी में करंट नहीं आता है। तो याद रखें, अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसके स्पार्क प्लग को ऐड कर लेता हूं और यहां कैपेसिटर को हटा दिए हैं, इसके मैंने प्लग कैप को ऐड किया है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, भाई किक लगाइएगा, तो यहां गाड़ी जो है ना पहले किक में स्टार्ट हो गई है। अब जैसे इसका कैपेसिटर या फिर आपका ये बैटरी, दो ही चीज़ें शॉर्ट रहेंगी जब भी डीसी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे या तो इसका बैटरी ख़राब है या कैपेसिटर, तो आपको जो दिखाया रहेगा वो हमने लाइव दिखाया है। तो गाड़ी में कभी भी अगर कैपेसिटर लगाते हैं ना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आती है, इन सारे स्टेप को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।